कि अल्प सुख इस संसार में क्या है, थोड़ा सुख है। बिल्कुल सुख नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा सुख है। तो पूछने वाले ने कबीर साहब से पूछा कि थोड़ा सुख है तो बाकी सब क्या है, तो कबीर साहब ने कहा बाकी सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने कहा कि फिर जब बाकी सब दुख ही दुख है और थोड़ा सुख है, तो ये थोड़ा सुख भी ना होता तो ठीक था, पूरा दुख ही दुख होता तो एक जैसा भोग लेते। अब थोड़ा सुख भोगने के बाद फिर पूरा दुख भोगना पड़ता है तो थोड़ा ज्यादा ही दुख होता है। ये थोड़ा सुख क्यों है? थोड़ा दुख होता और बाकी सब सुख होता तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सुख और पूरा दुख ऐसा क्यों? तो कबीर साहब ने बड़ी मजे की बात कही। कबीर साहब ने कहा थोड़ा सुख इसलिए है कि इस थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है। अगर ये थोड़ा भी सुख ना होता और पूरा पूरा दुख ही दुख होता तो तुम छोड़कर भाग जाते, फिर तुम ये पूरा दुख भोगते ही नहीं। लेकिन थोड़े सुख के लालच में बड़ा दुख भोगते रहते हो, ये बड़ी विचित्र बात है। एक छोटी सी कथा बताता हूं, बड़ी प्यारी कहानी है। आज के 30 वर्ष पहले सुनाता था पर आज ख्याल में आ गई, गुना में ध्यान आ गया। एक गांव गांव में कला दिखाने वाला नट रहता था, गांव में जाकर के कुछ अपनी कलाएं दिखाता था। उस नट के पास में एक गधा था, तो उस गधे की पीठ पर वो सामान लेकर जाता था। गधा सामान ढोता था, इसका अर्थ ये नहीं कि जो सामान ढोता वो गधा होता है, ऐसा अर्थ मत लेना, नहीं सामान कौन ढोएगा, क्योंकि लोग कहेंगे मैं तो नहीं गधा बनूंगा। सामान ढोने वाला गधा नहीं होता है, जो गधा है चार पैर वाला उसकी कहानी है। ये दो पैर वाले अपने ऊपर मत ले लेना, खतरा हो जाएगा, डिस्टर्ब होगी व्यवस्था। तो वो गधा बहुत खुश रहता था और गधा बहुत धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसी नट के घर के पास में एक धोबी का घर था और धोबी के पास भी एक गधा था। धोबी और नट में दोस्ती थी तो दोनों के गधों में भी दोस्ती थी, और ज्यादातर गधों के दोस्त ज्यादा ही होते हैं, समझदारों के दोस्त तो कम होते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा गधा होगा उसके बहुत बड़े दोस्त होंगे, भीड़ रहेगी दोस्तों की। गधे लोग दोस्ती खूब बनाते हैं और दोस्ती में समय बहुत बर्बाद होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो दोस्ती ज्यादा बनाता है ना तो दुश्मनी बनाता है। दुश्मनी बनाओगे तो पुलिस और कोर्ट में समय खराब होगा और धन खराब होगा, और दोस्ती बनाओगे तो फिर गप सप लप करने में समय खराब होगा। और सबसे कीमती चीज यदि तुम्हारे पास में कोई है तो वो है टाइम, और टाइम जहां से खराब होता है उस पॉइंट पर कृपया सावधानी बरतिए, अपने समय को बचाइए, समय का सदुपयोग करिए तो चंद्र समय में तुम चांद की ऊंचाइयों को छू सकते। समय अमूल्य। तो धोबी और नट में दोस्ती थी, तो धोबी के गधे ने भी नट के गधे से दोस्ती कर लिया। तो ये धोबी के गधे ने कहा कि मेरे मित्र, हम
दिन पर दिन देखते हैं तो मन में दुख होता है कि आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हम तुम दोनों एक उम्र के हैं पर तुम अभी से बूढ़े दिख रहे हो, कमजोर दिख रहे हो, ऐसी क्या बात है? नट का गधा दुखी होकर बोला कि मेरे मित्र, आपने मेरा बहुत ख्याल किया है, बहुत ध्यान दिया है, धन्य हो। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा मालिक थोड़ा कठोर है। किसी गांव में जाता है, मेरी पीठ पर वजन सामान लाद कर ले जाता है और वहां पर कला खेलता है, अपना कर्तव्य दिखाता है, मेरे को एक रस्सी में बांध देता है, मैं बंधा रहता हूं। आसपास की छोटी मोटी घास चर लेता हूं, समय पर पानी नहीं मिलता, खाने को सही नहीं मिलता, इसलिए मैं कमजोर हूं। धोबी का गधा हंसा और बोला कि मेरे मित्र, अपने मालिक को छोड़कर मेरे मालिक के पास आ जाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है मेरा मालिक कि मेरे पीठ पर सूखे गंदे कपड़ों की गठरी बांध कर तालाब ले जाता है, वहां गठरी उतार लेता है, मुझे छोड़ देता है, मैं तालाब के आसपास की हरी भरी घास खाता हूँ, लौटता पोटता हूँ, तालाब का पानी छक कर पीता हूँ, मेरी जिंदगी बड़ी सुखी है, मेरा मालिक बहुत प्यारा है। इतने कठोर मालिक को छोड़कर मेरे कोमल दिल वाले मालिक के पास आ जाओ, तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे, जवानी में ही बूढ़े दिख रहे हो। याद रखना, कितने मनुष्यों को भी देखा जाता है, ज्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से, समय पर खाना पीना सोना ना होने से वे 40 साल की उम्र में बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। और जो अपने शरीर को केयर नहीं कर सकता है, शरीर को संभाल नहीं सकता है, कैसे उम्मीद किया जाए कि वो फैक्ट्री संभालेगा जब शरीर ही नहीं संभाल रहे। इसलिए प्रथम नंबर पर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे नंबर पर मन का ध्यान रखिए, मन को संभाल कर रखिए, तीसरे नंबर पर आत्म शांति का ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पर फिर तुम बिजनेस करोगे तो सफल, राजनीति करो तो सफल, समाज सेवा करो तो सफल, साधु बनो तो सफल, लेकिन ये तीन चीजों को पहले संभालना है। शरीर को केयर रखो, जो तुम्हारे शरीर को जरूरत है उसको भोजन खिलाइए, ये शरीर बहुत बड़ा सेवक है। कुछ कार्य करना होता है, ये तुम्हारा शरीर ही तो कार्य करता है, तो कृपया इस शरीर का भी तो ख्याल रखो, इतना आफा काफा लाफा चाफा उलझन में क्यों पड़े, प्रेम से खाइए। आज मेरे पास में मोंटू रघुवंशी आई है, नीतीश रघुवंशी, राजबिलास होटल के मालिक। बोले गुरुदेव आप क्या खाओगे? तो मैंने कहा कल तो चना खाया था, उबला हुआ दूध पिया था, वो भी ठीक है। बोले आपके लिए खीर बनवाऊं? तो हमने कहा नहीं। बोले पराठे? हमने कहा नहीं। बोले पूड़ी? हमने कहा नहीं। तो बोले फिर चना और मूंग उबाल के? हमने कहा बिल्कुल ठीक। बोले गाजर का हलवा? हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो बोले कि और गुरुदेव क्या? हमने कहा तुम लिस्ट गिनाइए, हम चॉइस करेंगे। तो 20 नाम लिया उन्होंने, 20 में मैंने चॉइस किया। हमने कहा इसको 3 दिन में डिवाइड कर दो। बोले बिल्कुल कर दो। आज प्रवचन इसीलिए अच्छा सुना रहा हूं, गाजर का हलवा खाया हूं। और चना और मूंग भिगो कर फिर गरम करके उसको खाया हूं, और उपमा रवा का उपमा खाया, और नमकीन सिमई खाया, 4 चीज और कुछ नहीं, बस इतना ही।
तुम भी कभी कभी उपमा खा लिया करो, कभी कभी गाजर का हलवा भी खाया करो, रोज नहीं कभी कभी, कभी कभी चने उबाल कर थोड़ा मिर्च मसाला डालकर छौंक कर खा लिया करो, कभी कभी पराठे भी खा लिया करो, और कभी कभी थोड़ा सा फल फ्रूट भी खाया करो, सलाद के रूप में खा लो, थोड़ा सा गुड़ हफ्ते में दो बार, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बता रहा हूं, गुड़ देसी गुड़, आधा चम्मच हल्दी, प्योर हल्दी मिलावटी नहीं पिसी हुई, और आधा चम्मच नमक, सफेद नमक या सेंधा नमक, इसको मिला लीजिए, चम्मच से कटोरी में रबड़ी बना दीजिए, खूब घोंट दीजिए, और भोजन के बाद इसको चाट कर ले लीजिए। फिर क्या होगा, तुम्हारे पेट के अंदर भस्मासुर पैदा होगा। अब लोग डर गए, भैया इतना छोटा पेट इसमें भस्मासुर कैसे। भस्मासुर का मतलब है फिर खूब भूख लगेगी, जो भी भोजन खाया सब एक घंटे में हजम, और भूख लगेगी कस कस, और जिसको भूख खूब लगे और नींद खूब लगे तो समझ लो वो व्यक्ति बीमार नहीं है, पूरा स्वस्थ है। अगर नींद नहीं आ रही है गहरी और भूख नहीं लग रही कड़ी तो समझ लो बीमारी आने वाली है बहुत बड़ी। हाँ, ध्यान रखना, ये पहचान है, पैमाना है, इसलिए गहरी नींद का सुख लीजिए और कड़ी भूख लगना चाहिए। तो वो धोबी और नट के गधे की कहानी थी, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान देना। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। धोबी का गधा नट के गधे से कहता है, मेरे दोस्त अपने कठोर दिल के मालिक को छोड़कर मेरे कोमल हृदय वाले मालिक के पास आ जाओ, तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे। जवानी में बूढ़ा होना दुखद बात है, बुढ़ापे में भी जवान जैसे दिखना ये सुखद बात है, और जो लोग बुढ़ापे में भी जवान जैसे दिखना चाहते हैं उनके लिए भी फार्मूला है। क्या फार्मूला है, उनको क्या करना चाहिए जो बुढ़ापे में भी थोड़ा चमकते हुए दिखना चाहते हैं। संसार के विषयों को कम भोगो, अपने शरीर की वीर शक्ति रज शक्ति की रक्षा करो, उससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नंबर दो, भोजन कम करो, चबा चबा कर करो। नंबर तीन, पेट में कब्जियत कभी मत होने दो, यदि कब्जियत हो जाए पालक की सब्जी खा लो, बथुआ की सब्जी खा लो, यदि कब्जियत हो जाए तो पपीता सुबह सुबह खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, शलजम खा लो, चुकंदर खा लो, कच्चा खा लो, सुबह खा लो, शाम को नहीं सुबह, चबा चबा कर खा लो, सारी कब्जियत खत्म। जिसके पेट में कब्जियत नहीं होती है वो बुढ़ापे में भी जवान जैसा दिखता है। कब्जियत कॉन्स्टिपेशन सभी रोगों की जड़ है, कॉन्स्टिपेशन रोगों का बाप है कब्जियत का। कब्जियत किसे कहते हैं, पेट का साफ ना होना, लैट्रिन का साफ ना होना, पेट का सुबह खाली ना होना, इसका नाम कब्जियत है। सुबह फ्रेश होने के बाद भयंकर भूख का ना लगना, ये कब्जियत है। और एक केला रोज खा लो, ये बूढ़ा नहीं होने देगा केला, एक केला खा लोगे तो बूढ़ा नहीं होने देगा, दो केला खा लोगे तो जवान बने रहोगे।
और तीन केला खाओगे तो जिंदा भी नहीं रहोगे। इसलिए बहुत केला नहीं खाना है, बस एक। और चना चबा लो, चना बहुत बेहतरीन चीज है। और कम से कम 24 घंटे में 5-6 बार हंसो भी ठहाका मार के, क्या बात है, हा 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 करो। हंसते बहुत कम लोग हैं, और जो गलत जगहों में फंसते हैं वो फिर कभी नहीं हंसते। यदि कहीं बुरी जगह पर फंसोगे नहीं तो हमेशा हंसोगे, और ज्यादा अगर इधर उधर फंसोगे तो फिर कभी नहीं हंसोगे। इसलिए फंसना नहीं है, अगर हंसना है तो फंसना नहीं, और फंसना है तो हंसना नहीं। फंसो मत किसी के चक्कर में, न फंसो न फंसाओ, फ्री रहो। हाँ, दारू में भी मत फंसो, कभी नहीं पीना है। मांस मछली अंडा मुर्गा कुछ नहीं, फंसना ही नहीं। जर्दा पान तमाकू बीड़ी सिगरेट पे फंसना ही नहीं, और बेविचार में भी मत फंसो, फैशन में भी मत फंसो, किसी बुराई में मत फंसो। अगर अपने आप को फंसने से बचा लिया तो आपका हंसना कोई छीन नहीं सकता है। जो आदमी कहीं नहीं फंसता है वो रात दिन हंसता है, रात दिन हंसता है। सीधा फार्मूला है, अनुभव किया हुआ फार्मूला है। हंस, सब बैठे रहना, कौन हंसने जा रहा बाहर, यही हंसो। लघु शंका भी मत जाना, लेकिन इसके अंदर भी लघु शंका मत करना। बैठो, थोड़ा कंट्रोल करो, प्यास लगे तो पानी पीने भी मत जाना, कुछ नहीं, बस कंट्रोल। आज बहुत बड़े मुख्य अतिथि भी ये कह रहे हैं, अभी अभी सूचना आई है वायरलेस से कि आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आगमन 2-5 मिनट में होने वाला है, और आपके दर्शन करने आ रहे हैं। इसलिए जम कर बैठो, क्योंकि हारा हुआ मुख्यमंत्री है। हाँ, हारे को हरी मिले और जीता जमपुर जाए। नहीं, जब नेता हारता है ना तो हरि की शरण में आ जाता है। हरि ओम तत्सत और सब गप सप। बहुत अच्छी बात है। और मैं कभी कभी लोग आशीर्वाद लेने आ जाते ना तो उनको हारने का भी आशीर्वाद देता हूं कि तू हार जा। और जो हार जाता है फिर आता है आशीर्वाद लेने, तो फिर उसको आशीर्वाद दे देता हूं, अब तो जीत जा। बहुत बड़ी कथा है, ध्यान देना, एकाग्र हो जाना बिल्कुल। ये धोबी और नट की कथा है, दो गधों की कथा, ये साधारण कथा नहीं है। देखना इस कथा का रिजल्ट क्या है। नट के गधे ने धोबी के गधे से गला मिलाकर कहा कि मेरे मित्र, मैं तो एक मिनट में अपने मालिक को छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाता, लेकिन दुख की बात है मैं छोड़ नहीं सकता। कितना ही कष्ट मिले पर वहां एक मेरी आशा लगी हुई है। आशा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण समझना। आप अगर जी रहे हो तो किसी आशा में जी रहे हो, आप दुख उठा रहे हो
इतना दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है, फिर भी तुम जिंदा हो तो किसी आशा के आस में जिंदा हो, नहीं तो अब तक तुम मर जाते। इसलिए आशा ही जीवन है कहा गया है, और निराशा ही मृत्यु है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी निराश मत हो। निराश हुए व्यक्ति की सांस चलती है लेकिन अब वो किसी कार्य के लायक नहीं रह जाता। और जिसके पास में आशा है वह व्यक्ति शरीर से कमजोर होते हुए भी ताजा है, जवान है और जीवित है, और वह कुछ कर सकता है। इसलिए आशा रखना, निराश मत। और सारे संसार की कथा आशा पर टिकी हुई है। एक बेटे और बहू को भी अपने माँ बाप और सास ससुर से कुछ आशा रहती है, माँ बाप सास ससुर को बेटे बहू से आशा रहती है, गुरु को भी शिष्य से आशा रहती है कि मेरा शिष्य धर्म की रक्षा करेगा, शिष्य को भी आशा रहती मेरा गुरु मुझे आशीर्वाद देगा। आशा के ताकत से ये पूरा संसार चल रहा है। एक नेता को भी जनता से आशा रहती कि जनता हमको वोट देगी, जनता को भी आशा रहती ये नेता हमारी रोड बना देगा। सारा खेल आशा का है। तुमको भी मेरे से आशा थी कि गुरुदेव आएंगे, प्रवचन सुनाएंगे तो मेरी जिंदगी के दुख के बादल छटेंगे और सुख का सूरज उदय हो जाएगा, आशा थी। और मुझे भी आशा थी कि मैं गुना आऊंगा तो तुम आओगे, और तुम आओगे तो तुम्हारे सामने हंसूंगा मैं तो हंसोगे तुम, ताली बजाऊंगा मैं तो बजाओगे तुम, और हंसते हंसते सत्संग तुमको सुनाऊंगा तुम भी हंसते रहोगे। मुझे भी आशा थी तो मेरी आशा तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी पूरी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता। इसलिए कितनी बार हार हो जाए पर जीत की आशा रखो। 15 बार चुनाव हारने के बाद अब्राहम लिंकन 16 ही बार चुनाव जीतने की आशा से चुनाव लड़ता है, और 16 ही बार जीत करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ जाता है। बाहर की हार हार नहीं है, जब भीतर से तुम हार मान लेते हो असली वो हार हार हो जाती है। बाहर की हार अगर भीतर से हार नहीं मानी है तुमने तो बाहर की हार आपके गले का हार बनेगी, त्योहार बनेगी, बहार बनेगी और सफलता का द्वार बनेगी, क्योंकि भीतर से तुम्हारा दिल जीता हुआ है। इसलिए बाहर की हार भी एक दिन जीत में बदल जाएगी। बिजनेस में नुकसान हो जाए हार मत मानना, निराश मत होना, ये सोचना जो नुकसान हुआ है 1 करोड़ का, लगता है इसके बाद 10 करोड़ का फायदा होने वाला है। पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, और हर घटना में तुम्हें लाभ दिखना चाहिए, फायदा दिखना चाहिए। अपनी जिंदगी को लाभ के एंगल से देखिए, फायदे की ओर से देखिए। जिंदगी के बहुत पहलू हैं, सुख की तरफ से जीवन को देखो। यदि आपकी पत्नी थोड़ा सा आपको डांटती है, दुखी मत होना, निराश मत होना, फिर ये सोचना कम से कम मेरी पत्नी डांटती है तो इसकी डांट खाने से मैं सुधर कर चलता हूं,
तो आज तक कोई दूसरे व्यक्ति को डांटने का मौका नहीं मिला। ये श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, यही डांट कर मेरा सुधार कर देती है। दुखी मत हो, उसमें भी फायदा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आज घर में जाकर सभी पत्नियां अपने पतियों को डांट लगाई, ये अर्थ मत लेना। डांटना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, रोज रोज किसी को डांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा डांटने से भी अपनी आदत बिगड़ती है। कभी कोई ज्यादा गलती करे तो थोड़ा डांट दो और फिर उससे प्रेम करो। और तुम्हारा पति अगर ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, खुशी मनाइए कि आपका पति डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन वही होता है जो अंदर से क्लीन होता है। जो क्लीन नहीं होगा वो डिसिप्लिन नहीं होगा। और यदि आपका पति डिसिप्लिन है तो ये नारी का सौभाग्य है कि आपका पति भटकता नहीं है, आपकी तरफ प्रेम रखता है, ये सौभाग्य है।